नागाहोरी डैम नहर योजना के अंतर्गत अधिग्रहित भूमि की मुआवजा राशि को तरस रहे आदिवासी समुदाय के लोग। एकल्व संगठन खनियादाना के बैनर तले आदिवासी समुदाय के लोगों ने एकत्रित होकर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम खनियादाना प्रभारी तहसीलदार प्रमोद सिंह तोमर को ज्ञापन सौंप दिया है। आदिवासी समुदाय की महिलाएं एवं पुरुष तहसील कार्यालय के प्रांगण में एकत्रित हुए और नारे लगाते हुए तहसीलदार प्रमोद सिंह तोमर से अपनी समस्याओं को शीघ्र निपटाने की मांग की है। संगठन के प्रवक्ता राजेश कुमार आदिवासी ने बताया कि क्षेत्रीय नागाहोरी डैम की नहर में हम खनियादाना तहसील के आदिवासी को कृषि भूमि शासन द्वारा अधिग्रहित की जा चुकी है, जिस पर नहर बनकर तैयार हो जाने के कारण हम कृषि भूमि से वंचित हो गए हैं। खाने के लाले पड़े हुए हैं। अधिकारी कहते हैं कागज लाओ, दुरुस्त कराओ। इसके बाद भी पिछले 5 वर्ष से हम संबंधित कार्यालयों के चक्कर काट कर परेशान हो चुके हैं। हमें हमारी कृषि भूमि का मुआवजा इस महीने यदि नहीं दिया जाता है तो आदिवासी समुदाय के लोग गुरु द्रोणाचार्य द्वारा प्रणीत संगठन एकलव्य के बैनर तले शिवपुरी कलेक्ट्रेट के सामने भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं ज्ञापन में मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए कहा कि मामा जी, आप हमें अपना भाई कहते हो लेकिन हम लोग परेशान हो रहे हैं, हमारी समस्या जल्द से जल्द समाधान करो। राजेश कुमार आदिवासी ग्राम सेकरा का रहने वाला हूँ सर। आप ये तहसील आए हो, किस काम के लिए आए हो? ज्ञापन देने के लिए आए तहसीलदार महोदय जी को। क्या ज्ञापन दे रहे हो सर? हमारी जमीन जो नागाहोरी डैम है उसमें 4 साल से नहर खुद चुकी है। हम गरीब लोग कम से कम 100 आदिवासी है खनियाधाने ब्लॉक में, अलग अलग ग्रामों में, तो उनका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। नहर खुद चुकी है और कितनी बार, काफ़ी बार कागज नहर वालों को दे चुके हैं सर, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिससे हम लोग परेशान हैं। जमीन से वंचित हैं, अभी तक अपने बच्चों का पालन पोषण भी नहीं कर पा सकते। आपके पास अभी जमीन नहीं है तो अभी कहाँ निवास कर रहे हो सर? मजदूरी करते हैं थोड़ी, कहीं कहीं पर बाहर मजदूरी कर रहे हैं कहीं कहीं पर। तो किसके नाम ज्ञापन दिया है आपने? तहसीलदार महोदय जी को और माननीय श्री मुख्यमंत्री जी को। आज कुछ आदिवासियों ने आकर एक ज्ञापन दिया है, क्या ज्ञापन दिया है? ये आदिवासियों ने नारोनी पे वो डैम जो बनाया है, वहाँ से विस्थापित लोग हैं, इन लोगों द्वारा दूसरी जगह जो बस गए हैं, इन्होंने ज्ञापन दिया है कि हमको उसका मुआवजा नहीं मिला है। तो मुआवजे के लिए ये इस ज्ञापन को हम पहुँचा देंगे आगे प्रशासन के लिए, उस पर ध्यान रखने के लिए। हालांकि प्रशासन द्वारा भी कार्रवाई की जा रही इनको मुआवजा देने के लिए। हमने बात करी थी सुबह तो बताया गया कि कुछ नामांतरण वगैरह गलती है, कुछ इनके द्वारा कागजात वगैरह उपलब्ध नहीं कराए गए, क्योंकि अलग अलग जगह बस गए इसलिए कागजात इनके इकट्ठे करने में टाइम लग रहा था। अब चूंकि इनके हमने मोबाइल नंबर भी ले लिए तो इनसे जानकारी बुला करके कागजात इकट्ठे करवाने में उनका सहयोग करेंगे और जितनी जल्दी से जल्दी होगा इनको मुआवजा दिलवाएंगे। इन लोगों की क्या मांग है ये अभी कुछ इन्होंने ये कहा है कि अगर इस महीने तक हमको नहीं मिलेगा मुआवजा तो हम उसके बाद भूख हड़ताल पर बैठेंगे, लेकिन इनको हमारी समस्या इनको जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रशासन के पास पैसा देने के लिए है, इनके खाते में भी है, लेकिन थोड़ी सी इनके कागजात वगैरह उपलब्ध होने में दिक्कत हो रही है। कागज ये उपलब्ध कराते जाएंगे तो इनको सबको मुआवजा मिलेगा, बिल्कुल स्पष्ट मिलेगा, सही मिलेगा।